हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूँ डॉक्टर मोनिका और आज हम 2 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं, और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कॉट है। जीतने का असली मजा तो तब है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्मॉल रेलवे स्टेशंस विल बी रिनोवेटेड अंडर अमृत भारत स्टेशन योजना? अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 1000 जो छोटे रेलवे स्टेशन है उनको रिनोवेट किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने आने वाले वर्ष में 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना जो है ये बनाई है। स्टेशन मार्की स्टेशनों के मेगा अपग्रेडेशन से प्रेरित सुविधाओं से लैस होंगे और ये योजना रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान और अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा होगी। स्टेशनों में रूफटॉप प्लाजा, लंबे प्लेटफॉर्म, गिट्टी रहित ट्रैक और 5G कनेक्टिविटी के प्रावधान शामिल होंगे। ये योजना उन सभी पिछली पुनर्विकास परियोजनाओं को समाहित कर लेगी जहां काम शुरू होने जो है ये बाकी है। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों की मास्टर प्लान तैयार करना और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चरणों में मास्टर प्लान का कार्यान्वयन करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटर्न द बुक फॉक्स इन द रॉड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड? किसने फॉक्स इन द रॉड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक जो पुस्तक है ये लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है सी रंग राजन के द्वारा लिखी गई है। बी इसका करेक्ट आंसर है। सी रंग राजन ने फॉक्स इन द रॉड माई डेट एज RBI एंड बियॉन्ड नामक जो बुक है ये लिखी है और इसे पेंगुइन बिजनेस के द्वारा जो है पब्लिश किया गया था। ये पुस्तक एक भारतीय अर्थशास्त्री, पूर्व संसद सदस्य और भारतीय रिजर्व बैंक के 19वें गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन का जो है मेमोरी है और ये स्वतंत्रता के बाद के योजना युग से वर्तमान समय तक भारत के परिवर्तन पर चर्चा करता है। रंगराजन ने 1982 और 2014 के बीच की प्रमुख घटनाओं का इसके अंदर वर्णन किया है और विशेष रूप से धन और वित्त के क्षेत्रों में न केवल क्या हुआ बल्कि उनके पीछे की प्रेरणा और प्रक्रियाओं को भी समझाया है। एक सार्वजनिक शख्सियत और भारत में आर्थिक परिवर्तन के एक वास्तुकार के रूप में वह राजनीतिक और आर्थिक दोनों अभिनेताओं के साथ अपनी बातचीत के बारे में भी सोचते हैं। टॉप 5 बुक्स के बारे में हम बात करें, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री जो बुक है ये पुलापरे बालकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स एंड विंड्स जो है ये सानिध्य शर्मा की बुक है। लाइन्स ऑफ द स्काइज हार्दिक सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो बुक है ये स्टीफन बार्कर के द्वारा लिखी गई है। जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट री एंगेज जो बुक है ये संजय भारू के द्वारा लिखी गई है। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स एबेंडन पीस एंड री इन्वेटेड वॉर जो बुक है ये सोमिल मोयन के द्वारा लिखी गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रीनेम्ड द एनुअल अवार्ड इन ऑनर ऑफ शेन वॉन? किस देश ने शेन वॉन के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ऑस्ट्रेलिया ने बदला है। ऑस्ट्रेलिया का पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है अब महान स्पिनर शेन वॉन के नाम पे दिया जाएगा और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसकी घोषणा की है। और CA के मुख्य कार्यकारी निक हॉकले और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों के संघ के CEO टॉड ग्रीनबर्न ने यहाँ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दौरान वॉन का श्रद्धांजलि देते हुए ये घोषणा किया है। वॉन का इस वर्ष 4 मार्च को थाईलैंड में हार्ट अटैक से निधन हो गया था और वॉन को 2005 में रिकॉर्ड 40 विकेट लेने के लिए 2006 का टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये मिला था।
वॉर्न ने 15 वर्ष मतलब 1992 से लेके 2007 के टेस्ट करियर में 145 मैचों में 708 विकेट जो है ये चटकाए थे। उन्होंने भारत के खिलाफ 2 से 6 जनवरी के बीच 1992 में पहला और 2 से 5 जनवरी के बीच 2007 के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम मैच जो है वो खेला था। 4 नंबर क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज अनाउंस टू बिल्ड मोंगला पोर्ट, भारत ने किस देश के साथ मिलकर मोंगला बंदरगाह का निर्माण करने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये बांग्लादेश से मिलके जो है ये निर्माण करने की घोषणा की है। भारत और बांग्लादेश ने ढाका में मोंगला बंदरगाह को नया रूप प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मोंगला पोर्ट के नवीनीकरण की परियोजना भारत की 4 अरब 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रियायती ऋण श्रृंखला के अंतर्गत शुरू की जा रही है। भारत की वैश्विक विकास सहायता का लगभग 1/4 हिस्सा बांग्लादेश में विभिन्न परियोजनाओं के दिया गया है और इन परियोजनाओं से न केवल भारत बांग्लादेश आर्थिक संबंध मजबूत होंगे बल्कि पूरे उपक्षेत्र की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है। इससे भूटान और नेपाल से माल आवाजाही के लिए समुद्री संपर्क भी जुड़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्रीज एलिडा ग्वेरा हैज बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड, किस देश की एलिडा ग्वेरा पहले के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित की गई है। तो यह है क्यूबा की, पहले के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड की घोषणा कर दी गई है और ये अवार्ड क्यूबा की सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को दिया गया है। ये अवार्ड आर गौरी अम्मा फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया है और ये अवार्ड केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा 5 जनवरी को चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम के ओलंपिया हॉल में डॉक्टर एलिडा को प्रदान किया जाएगा। इस अवार्ड के साथ एक प्रशस्ति पत्र और $3,000 जो है ये प्रदान किए जाएंगे। डॉक्टर एलिडा ग्वेरा क्यूबा की एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है जो क्यूबा में विकलांग बच्चों के रहने के लिए 2 घरों का संचालन करती है और साथ ही घरेलू समस्याओं से जूझ रहे शरणार्थी बच्चों के लिए भी ये जो है ये 2 केंद्रों का संचालन करती है। टॉप 5 अवार्ड्स की बात करें तो एबल प्राइज 2022 जो है ये डेनिस पार्नेल सुलेविन को मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 जो है ये चंद्रभान ख्याल को मिला है। रामानुजन अवार्ड 2022 नीना गुप्ता को मिला है। नेताजी अवार्ड 2022 शिंजो अबे को मिला है। जेनेसिस प्राइज 2022 जो है ये अल्बर्ट वोला को दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, द जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट हैज साइंड ए पीस एग्रीमेंट विद द सेंटर एंड विच स्टेट गवर्नमेंट। जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य सरकार के साथ में शांति समझौता किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है मणिपुर के साथ में, ए इसका करेक्ट आंसर है। केंद्र और मणिपुर सरकार ने मणिपुर के एक उग्रवादी गुट जेलिया ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट JUF के साथ गतिविधियों की समाप्ति के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्रालय मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और JUF के प्रतिनिधियों की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए हैं। JUF पिछले एक दशक से अधिक समय से मणिपुर में सक्रिय था। गृह मंत्री अमित शाह के दिशा निर्देशों के तहत उठाया गया ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उग्रवाद मुक्त और समृद्ध पूर्वोत्तर के विजन को पूरा करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट धनु यात्रा हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर 2 ईयर्स, किस राज्य में 2 साल के बाद में धनु यात्रा का आयोजन हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुआ है ओडिशा के अंदर, सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो ओडिशा में आयोजित होने वाले मशहूर धनु यात्रा महोत्सव ओडिशा के बरगढ़ कस्बे में शुरू हो चुका है और इस वर्ष इस महोत्सव को 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत के रूप में धनु यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। 2014 में केंद्रीय संस्कृति विभाग 11 दिवसीय धनु यात्रा को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दे चुकी है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है।
धनु यात्रा की शुरुआत 1947 से 48 में देश की आजादी के उपलक्ष में आयोजित उत्सव के रूप में हुई थी और तब से ये हर वर्ष इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। धनु यात्रा महोत्सव को दुनिया के सबसे बड़े मुक्ताकाश रंगमंच के रूप में जाना जाता है और ये यात्रा विश्व भर में अपनी पहचान बना चुकी है। इस महोत्सव के दौरान बरगढ़ कस्बा रंगमंच और मथुरा में तब्दील हो जाती है। यहाँ बहने वाली जीरा नदी भी यमुना नदी बन जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनोग्रेटेड ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन मेडिकल कॉलेजेस। किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने 22 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है और ये पहल राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के सहयोग से की गई है और यूपी के सभी अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू हो गया है। इस सुविधा से मेडिकल कॉलेजों में अब ऑनलाइन बेड पंजीकरण, डॉक्टर, आईसीयू और ऑपरेशन की बुकिंग की सुविधा मिलेगी और HMIS प्रणाली लागू होने के बाद प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों, राजकीय संस्थानों, स्वायत्त शासित चिकित्सा महाविद्यालयों में पेपरलेस व्यवस्था को लागू किया जा सकेगा। पहले चरण में चिकित्सा शिक्षा के गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, कानपुर और आगरा स्थित मेडिकल कॉलेजों में लागू की जाएगी। 9 नंबर क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द कंट्रीज फर्स्ट मेट्रो सर्विस हैज बीन स्टार्टेड। किस देश में देश की पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बांग्लादेश के अंदर की गई है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। दियाबारी और अगरगांव स्टेशन के बीच पहली यात्रा के लिए मेट्रो ट्रेन को ढाका में हरी झंडी दिखाई गई है। मेट्रो रेल 2030 तक पूरा होने वाली मास रैपिड ट्रांजिट की बांग्लादेश परियोजना का हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में ये मेट्रो सेवा जापान ने फंड की है। इसके साथ ही नव नियुक्त जापानी राजदूत किमिनोरी इवामा और इच्चीगुची तोमोहाइड मौजूद थे। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति वाली पहली हाई स्पीड रेल सेवा होना बांग्लादेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और मेट्रो रेल का निर्माण जापान के वित्तीय और तकनीकी सहयोग से किया गया है। मेट्रो रेल नेटवर्क 2030 में पूरा हो जाएगा जिसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर होगी जिसमें से 61 किलोमीटर भूमिगत होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट मुर्मू हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रसाद प्रोजेक्ट इन टू टेम्पल ऑफ विच स्टेट। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के दो मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तेलंगाना के अंदर रखी गई है। डी का करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद योजना के तहत तेलंगाना के भद्राचलम तीर्थ में सुविधाओं के विकास के लिए परियोजना की आधारशिला रखी है और पर्यटन लोगों की आजीविका के अवसरों और आय को बढ़ाता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। राष्ट्रपति ने प्रसाद के तहत तीर्थ स्थलों के विकास के माध्यम से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय की सराहना की है। मंदिरों के शहर भद्राचलम की ओर अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने वनवासी कल्याण परिषद तेलंगाना के द्वारा आयोजित समक्का सरलम्मा जनजाति पुजारी सम्मेलन का उद्घाटन किया और साथ ही तेलंगाना के कोमारम भीम, आसिफाबाद और महबूबाबाद के जिलों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया। चलिए कल के जो MCQ है 31 दिसंबर के उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसे FSSAI में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं गंजी कमला वी राव, ए इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सजा सुनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मालदीव
के प्रेसिडेंट को सुनाई गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड शीर्ष पे रहा है? तो इटली का जो फूड है ये टॉप पे रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की मेजबानी में पहला तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये केरला के अंदर किया गया है। फाइव नंबर क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ किसे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं हम अनिल कुमार लाहोटी। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, FSSAI ने किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? तो ये जेल है बुलंदशहर जेल, सी इसका करेक्ट आंसर है। सेवन नंबर क्वेश्चन है, छठी एलिड राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीन बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन्होंने गोल्ड जीता है। एट नंबर क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है? तो ये जो रिपोर्ट है ये सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा जो है पब्लिश की गई है। नाइन नंबर क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं लेफ्टिनेंट अरविंद वालिया बने हैं, ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एडीपी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तमिलनाडु के लिए किए गए हैं, ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। रयुतु बंधु किस भारतीय और राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तेलंगाना की प्रमुख योजना है, सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे, अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।